सो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ मोटो GT4 की, इन्फिनिक्स GT10 प्रो की, IQ G7 की। तो चलिए बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो मोटो G84 में हमको 6.55 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं इन्फिनिक्स GT10 प्रो में 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं IQ G7 में हमको 6.38 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो तीनों मोबाइल में हमको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो तीनों मोबाइल में हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलता है। बात करें इनके कैमरास की तो फ्रंट कैमरा हमको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है IQ G7 में और Moto G84 में, वहीं 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है इन्फिनिक्स GT10 प्रो में। बैक कैमरे की बात किया जाए तो बैक कैमरे हमको 50 मेगापिक्सल का Moto G84 में देखने को मिलता है, वहीं 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इन्फिनिक्स GT10 प्रो में, वहीं 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा IQ G7 में देखने को मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन हमको तीनों मोबाइल में देखने को मिलता है। 3.5 mm हेडफोन जैक का भी सपोर्ट तीनों मोबाइल में हमको देखने को मिलता है। तीनों मोबाइल में हमको NFC की भी फीचर देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो Moto G84 में और इन्फिनिक्स GT10 प्रो में हमको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं IQ G7 में हमको 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो Moto G84 में हमको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, वहीं 45 वाट की फास्ट चार्जिंग इन्फिनिक्स GT10 प्रो में देखने को मिलती है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग IQ G7 में देखने को मिलती है। अब बात करें इनके प्रोसेसर की तो Moto G84 में हमको क्वालकम स्नैपड्रैगन 695 की चिपसेट देखने को मिलती है, वहीं इन्फिनिक्स GT10 प्रो में MediaTek Dimensity 1300 की चिपसेट देखने को मिलती है, IQ G7 में हमको MediaTek Dimensity 920 की चिपसेट देखने को मिलती है। एंटूटू स्कोर की बात किया जाए तो Moto G84 में हमको 4,20,000 की एंटूटू स्कोर देखने को मिलती है, इन्फिनिक्स GT10 प्रो में हमको 7,20,000 की एंटूटू स्कोर देखने को मिलती है, वहीं IQ G7 में हमको 4,38,000 की एंटूटू स्कोर देखने को मिलती है। रैम एंड स्टोरेज की बात किया जाए तो Moto G84 12256 के वेरिएंट में मिलती है, इन्फिनिक्स GT10 प्रो 8256 के वेरिएंट में, वहीं IQ G7 हमको 8128 के वेरिएंट में देखने को मिलती है। OS की बात करें तो तीनों मोबाइल हमको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 पे देखने को मिलती है। अब बात किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइसिंग की तो Moto G84 की प्राइस हमको 19,999, इन्फिनिक्स GT10 प्रो की प्राइस अभी हाल में बढ़ चुकी है, 21,000 हो चुकी है, लेकिन ऑफर के साथ ये भी 20,000 में हमको देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें IQ G7 की प्राइस तो हमको 19,000 रुपये में ये मोबाइल देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था इन तीनों मोबाइल की कंप्लीट स्पेक्स कंपैरिजन। आपको कौन से मोबाइल अच्छे लगे आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।